दोस्तों अगर आप भी एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लगातार दो मैचों में बेंगलुरु को मिली करारी हार तो टूट गया एबी डिविलियर्स का दिल। अपनी टीम आरसीबी के खराब प्रदर्शन पर गुस्से से आग बबूला होते हुए एबी डिविलियर्स ने अपने ही साथी खिलाड़ियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जो बयान जारी किया है उनकी बातों पर यकीन करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ बताया है टूटे दिल से एबी डिविलियर्स ने, उनके होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वुमेन्स आईपीएल में बेंगलुरु के फैंस ने सोचा था कि उनकी टीम तबाही मचाते हुए उनका ट्रॉफी का सूखा खत्म करेगी, लेकिन उनकी खराब किस्मत कहें या फिर खराब परफॉर्मेंस, मेंस टीम की तरह वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस वुमेन आईपीएल में भी निहायत ही खराब रही, जहां उनके पहले ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के सामने बल्लेबाजी करते हुए 224 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसे चेस कर पाना बेंगलुरु के बस की बात नहीं हुई और दिल्ली ने उन्हें बुरे तरीके से रौंदते हुए 60 रन के भारी भरकम अंतर से मुकाबला अपने नाम किया। तो फिर दूसरे मुकाबले में उनके सामने मुंबई की टीम थी, बेंगलुरु ने मुंबई को अच्छी टक्कर देनी चाहिए लेकिन यहां भी वह पूरी तरह से नाकाम साबित हुए, जहां कप्तान स्मृति मंधाना का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा तो उनकी टीम भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 155 रन बनाए, जिसे हासिल करना मुंबई के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ और मुंबई इंडियंस की टीम ने 15 ओवरों से पहले ही एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाकर बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार हार का स्वाद चखाते हुए उन्हें टेबल पॉइंट्स में सबसे नीचे धकेल दिया। वहीं अब उनके इस खराब प्रदर्शन से उनके चाहने वालों का दिल बुरी तरह से टूट गया है, उनके फैंस का गुस्सा अपनी टीम पर टूट पड़ा है, उन्हें हर तरफ निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं एबी डिविलियर्स भी अपनी टीम के प्रदर्शन से बुरी तरह निराश है और जैसे ही मुंबई के खिलाफ बेंगलुरु को करारी हार मिली एबी डिविलियर्स का पहली बार गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपने मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारे पास सभी खिलाड़ी बेहतरीन है और उसके बाद भी ऐसा प्रदर्शन देखकर बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि हमारी टीम दिखने में दूसरी टीमों से कमजोर है, फिर क्यों मैदान में हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है, यह सबसे अधिक चिंता का विषय है। सभी को अपनी टीम से बहुत उम्मीदें थी लेकिन हमारी टीम ने हम सभी को निराश किया है, यह बहुत मुश्किल दौर है जिससे उबर पाना इतना आसान नहीं है। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि वह इस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे, पर मुझे पर्सनली अपनी टीम का इतना खराब प्रदर्शन देखकर बहुत बुरा लग रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भावना व्यक्त करने के लिए। तो दोस्तों एबी डिविलियर्स अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश है, लेकिन आपको क्या लगता है अब तक का वुमेन्स आईपीएल देखने के बाद कौन सी टीम बन सकती है वुमेन आईपीएल की चैंपियन, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।